दर्पण नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। दर्शकों नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत शुक्रवार को आगरा के बेलनगंज स्थित मीनाक्षी टावर में आगरा व्यापार मंडल के कार्यालय में वस्तु एवं सेवा कर द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में नए निशुल्क पंजीकरण के साथ विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान शिविर में मौजूद अधिकारियों द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है व्यापार संघ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसी के तत्वाधान में जीएसटी डिपार्टमेंट के कई खंड के हमारे अधिकारी और हमारे आगरा मंडल व्यापार संगठन के मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसको व्यापारी जो नए हैं उनके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन के लाभ बताने के लिए कैंप आयोजन किया गया है। और ऐसा कैंप हमारे संगठन द्वारा हमेशा आए समय पर लगता रहता है। और उस संगठन रजिस्ट्रेशन कराने में व्यापारियों को जो लाभ है उसके बारे में चर्चा करना, आज एक गेट टुगेदर हुई है उस पर चर्चा की गई है, जिसमें कई तरह के लाभ व्यापारी को मिल रहे हैं। आज करीब 10 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अलग अलग खंडों के हुए। कब से कब तक चल ये अभियान? अपना पिछले 2 माह से चल रहा है और आगे भी ऐसा चलेगा। आगरा व्यापार मंडल और वाणिज्य कर विभाग आगरा के सहयोग से निरंतर इस अभियान को चलाया जा रहा है और सभी क्षेत्र के सभी अधिकार व्यापारियों को यह सुविधा दी जा रही है। मैं नदीम खान, असिस्टेंट कमिश्नर खंड 8, सेक्टर खंड 8। इस कैंप का क्या उद्देश्य है? इस कैंप का बेसिक उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि जीएसटी में पंजीयन ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो अपंजीकृत व्यापारी अभी रह गए हैं उनका पंजीयन हो। इसीलिए हम लोग व्यापार मंडल के माध्यम से एक जागरूकता अभियान के तहत यहाँ उपस्थित हैं। इससे छोटे व्यापारियों का क्या लाभ है? छोटे व्यापारियों को बहुत सारे लाभ हैं। इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है वो है कि 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा वो उन्हें मिल रहा है कि जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उस दिन से वो बीमा शुरू हो जाता है। उसमें कोई उनको प्रीमियम नहीं देना है, ठीक है, और 10 लाख का उनका बीमा है। और आने वाले समय में सरकार की पॉलिसी है पेंशन स्कीम लाने की, तो जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनको उसमें लाभ मिलेगा।